KSN 24 पल पल की खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फंसे प्रदेश के मजदूरों का छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से भरोसा उठ गया है। कोटा में फंसे छात्रों का हवाला देते हुए मजदूरों ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब छात्रों को लाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है तो उन्हें लाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। देश की अन्य राज्य सरकारें अपने लोगों की घर वापसी करा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार को अपने लोगों से कोई वास्ता नहीं है। अपना वीडियो जारी कर मजदूरों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी कराकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। मजदूरों का यह भी आरोप है कि घर वापसी के लिए उनसे जानकारी तो ली जाती है, लेकिन काम नहीं किया जाता है। सरकार के नकारेपन से हताश और परेशान हो चुके मजदूरों ने 4 मई को पैदल ही घर लखनऊ से छत्तीसगढ़ के लिए निकलने का मन बनाया है। इस दौरान उन्हें अगर कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। संगवारी हो, आप सब जाना था हम अल्लाह के हमन छत्तीसगढ़ के लाचार बेबस मजदूर हन और लखनऊ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हमन फंसे हैं। हमन ए बार सरकार चुन के बहुत बड़े गलती कर दें ऐसे हमला लगत हवा, तेहर परिणाम यदि आज हमला मिला था। हमन हर राज्य के मुख्यमंत्री मल्ला समाचार के माध्यम से सुने हैं कि अपन राज्य के मजदूर जो बाहर में फंसे उला लावा थे बस और ट्रेन के माध्यम से। एक सिर्फ छत्तीसगढ़ के सरकार है भूपेश बघेल, तेना सिर्फ हाथ में हाथ धर के बैठे है, कोई एक्शन कोई कदम नहीं उठा पावा था भाई। वो 15 दिन ले कहते सिर्फ लाभो लाभो बस कहा था भाई, कोई ठोस कदम नहीं उठावा था भाई। और हमन अपन अपन जिला के सांसद मंत्री नेता तक के हमन बात कर रहे हैं, उमन हमन मदद भर तैयार नहीं है। तो ये वीडियो हमन हाँ बना के आप मन तक लावत हैं और ये हमार बात भूपेश बघेल तक रखे के भेजे के प्रयास करियो, करके लाचार बेबस मजदूर हरन जैन उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में फंसे हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री मन हाँ अपन अपन राज्य लाए बर मजदूर ला ट्रेन और बस के माध्यम से प्रयास करत हवा और लावत हवा। एक छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार हवा जैन अभी तक के सिर्फ लाभो लाभो कहके बोलत हवा और कोई ठोस कदम नहीं उठा पावा थे। और हमारे में रोज फोन आवत हवा के लखनऊ में आप कितना आदमी फंसे हवा ओकर विवरण देवाओ, आधार कार्ड नंबर देवाओ, कई आदमी हवाओ कौन में हवाओ, ये सब रोज मतलब हमारे में जानकारी मांगा थे और हम रोज देवत हवा। ओकर से सरकार मतलब का करना चाहते भाई, मतलब का साबित करना चाहते सरकार हमारे में नंबर रोज रोज ले ली। और हमन हाँ अपन अपन जिला में अपन अपन नेता मंत्री मन में घलो बात कर रहे हैं, मदद पर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करत हवा। अब हमन हाँ 4 मई के सबो मजदूर भाई पैदल छत्तीसगढ़ में निकलबो और अगर रास्ता में कोई हमार हादसा दुर्घटना होवा थे ओकर जवाबदारी भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के रही। ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा भूपेश सरकार तक पहुँचा के कोशिश करो, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार कोटा में फंसे छात्रों को तुरंत लाने के लिए व्यवस्था कर सकता है, लेकिन हम मजदूरों को छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार तो हाथ में हाथ धरकर बैठे हैं। यहाँ बहुत मजदूर घर लौटने के लिए सरकार का जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अगर कोई जवाब नहीं आता है तो हम लोग 4 मई को छत्तीसगढ़ के लिए पैदल निकलेंगे और जो कुछ भी होगा वो सरकार अपना जिम्मेदारी लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।